अंदर कौन कौन सी हमारी प्रॉपर्टी होती है, हो गया स्टार्टअप, ठीक है। पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है उनका क्या होगा, अभी तक हमने क्या क्या बातें कर चुके हैं हम बताओ। पार्टनरशिप क्या होती है, हो चुका। उसके एलिमेंट क्या होते हैं, हो चुका। उसका रिलेशन क्या है पार्टनरशिप का पार्टनर्स के साथ, हो चुका। और लास्ट हमने क्या था, पार्टनर्स का आपस में क्या रिलेशन है, वो हो चुका। और एक और टाइप ऑफ पार्टनरशिप हमारा हो चुका, टाइप ऑफ पार्टनर्स हमारा हो चुका, ठीक है। इतना हम अभी तक कर चुके हैं। किसी को इस चीज में कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं है, पक्का। चलो आज हम कर रहे हैं पार्टनरशिप के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है। अभी प्रॉपर्टी क्या, जैसे अभी हमारा ये क्लासरूम है, ठीक है। हमारे इस क्लासरूम के अंदर लेट से चेयर बनी हुई है, यहां पर हमारे पास बेड लगा हुआ है, चेयर है, यहां पर हमारा बोर्ड लगा हुआ है, आप लोग बैठे हैं, या वट एवर देयर इज, फैन है, एसी है, अलमीरा है, सब चीजें हैं यहाँ पर। तो अब एक तरीके से देखा जाए, अगर हम यहाँ पर हमारी जो एजुकेशन क्लासेस है वो शुरू कर रहे हैं एज अ पार्टनरशिप, लगा लो हम यहाँ पर जितने टीचर्स हैं हम इसके पार्टनर हैं, ठीक है। अब ये जो सारा कुछ है देखा जाए किसका है, हमारे एक पर्टिकुलर पार्टनर का है कि नहीं, या हमारे सबका है, नहीं पर्टिकुलर पार्टनर का है। जैसे जो विकास सर है, विकास सर का है कि नहीं है। तो अब हम ये बात बोलते हैं कि लेट से किसी पार्टनर ने सारा का सारा जो फर्नीचर है या वहां की एसेट्स हैं या एवरी प्रॉपर्टी, इवन अ सिंगल प्रॉपर्टी लाइक अ मार्कर, छोटी से छोटी चीज भी अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टनर की है, देन वहां पर क्वेश्चन अराइज होगा कि अगर किसी टाइम पर पार्टनरशिप के ऊपर कोई लॉस आ गया है, हम बोलते हैं ना कि इनकी प्रॉपर्टी से भी तो रिकवर किया जा सकता है, बट ये प्रॉपर्टी तो सिर्फ एक पर्सन की है, तो क्या वो अकेला पर्सन देगा आपको, क्या ये पर्सन कभी भी आपको ये कहेगा कि ठीक है मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैंने पार्टनरशिप को जस्ट फॉर द यूज दी थी वो, कि ठीक है यूज कर लो आप, क्या मैंने 100% आपको दे दी थी वो, नहीं, क्यों दूं भाई मैं, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है, मैं आपको कैसे दे दूं, ठीक है। तो यहाँ पर अब बात आती है कि ऐसा कौन सा टाइम आएगा जहां पर पार्टनरशिप की प्रॉपर्टीज को हम डिसाइड कर रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी तो पार्टनर की है, ये प्रॉपर्टी फर्म की है। सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर हम ये सीखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ अराइज होता है कि कौन सी प्रॉपर्टी पार्टनर्स की है, क्योंकि हमने कई बार पढ़ा है पार्टनरशिप के अंदर कि हम कुछ एक प्रॉपर्टी जो है पार्टनर्स के नाम से भी लेते हैं ना, तो लेकिन क्या उस पे अब हक जो रहेगा, जो राइट जो रहेगा, वो पार्टनर्स का रहेगा या जिस पर्टिकुलर पार्टनर की है वो उसका रहेगा या फर्म का रहेगा, क्वेश्चन अराइज होता है वहां पर, ठीक है। तो अगर इसी केस की बात करें तो यहाँ पर विकास सर का जो ये सारा कुछ है, एसेट्स वगैरह है, इवन ये मार्कर तक भी है, तो सारा कुछ विकास सर का तब तक है जब तक हम हमारे एग्रीमेंट में ये बात नहीं लिख देते कि ये प्रॉपर्टी या पार्टनरशिप फर्म की हो गई है। तो याद रखना, प्रॉपर्टी जहां पर आएगी सबसे पहले आपको चेक करना है कि क्या यहाँ पर एग्रीमेंट है। अगर एग्रीमेंट अवेलेबल है और एग्रीमेंट में ये लिखा है कि ये प्रॉपर्टी पार्टनरशिप फर्म की है, तो वहां पर सभी पार्टनर को उसमें से हिस्सा मिलेगा, याद रखना। प्लस वो प्रॉपर्टी अगर फर्म की है तो कोई भी लॉस हो गया तो इससे ही वो रिकवर किया जाएगा, ये नहीं है कि घर से लाएंगे, क्योंकि जब तक फर्म के अंदर पैसा है तो वहीं से तो निकालेंगे, बाद में आती है ना घर पे बात, तो ठीक है। अब इसी चीज को लिखो, प्रॉपर्टी एक्वायर्ड और परचेज्ड और अदरवाइज में किसको इंक्लूड करोगे, लाइक कोई पार्टनर अपने घर से कोई प्रॉपर्टी लाया उसको, क्योंकि एक्वायर कर ली, खरीद ली, ये तो हम नॉर्मली करते ही हैं, बट अदरवाइज भी इसमें देखो लॉ ने वर्ड ऐड किया है, तो क्या आएगा, एक्वायर्ड, परचेज्ड और अदरवाइज फॉर द पर्पज ऑफ
फॉर विच पर्पज, फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म लिख लेना पूरा ही, एंड इट ऑलवेज इंक्लूड गुडविल ऑल्सो, इट ऑलवेज इंक्लूड गुडविल ऑल्सो. गुडविल कैसे है बताओ, अब लगा लो ये असेट्स तो हमें दिख रही है, अब गुडविल क्या हमें दिखती है अभी? बिल्कुल भी नहीं दिखती. तो गुडविल के कैसे आप उसको वैल्यूएबल करोगे कि हाँ इस गुडविल की कितनी वैल्यू है बताओ. अब जैसे सोच के देखो, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर एक्स वाई जेड तीन बंदे काम कर रहे थे, एकदम से ना वही जो फर्म है अंबानी ने एक्वायर कर ली. क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनो, कि तीन जो है वो चल रही थी और एकदम से फोर्थ पर्सन अंबानी ने कर ली, तो ऑटोमेटिकली जो अंबानी की गुडविल है, जो उसका नाम है, वो अटैच हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा इस फर्म से? हो जाएगा ना. तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने साथ ना केवल अपना नाम लेकर आ रहा है, अपनी गुडविल भी तो साथ ला रहा है. या फिर वो ये कहेगा भी मेरा नाम तो वहीं पड़ा रहेगा, मैं आ जाऊंगा, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं. तो वो क्या कहते हैं कि नॉट ओनली प्रॉपर्टी हम इंक्लूड करेंगे किस किस को, कि एक्वायर करी है या कोई लेकर आया है अपने साथ या हमने परचेज की है, बट ऑल्सो गुडविल. ठीक है. सो प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपसे कोई पूछे कि क्या क्या इन्वॉल्व होगा, सारी टाइप की प्रॉपर्टी इन्वॉल्व होगी, वेदर दे आर टेंजिबल. टेंजिबल कौन सी? ये सारी चीजें जिसको टच कर सकते हैं, हम छू सकते हैं सारी चीजें, प्लस इनटेंजिबल ऑल्सो, लाइक गुडविल है, आपके पेटेंट्स है, पेटेंट समझते हो, और कॉपी राइट होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सब भी इंक्लूड होंगी. ठीक है, लिख लो इस चीज को भी. फॉर द टेंजिबल एसेट्स, पॉइंट बना के लिखना भी इसको, और उसमें ही ऐड मत करना जो हमने कंसेप्ट के लिए लिखी थी. फॉर द टेंजिबल एसेट्स तीन टाइप की होंगी भैया आपकी. पहले ये नंबर वन, टेंजिबल एसेट्स आपकी तीन टाइप की हैं इनके अंदर. नंबर वन लिखो, ओरिजिनली बॉट इन द फर्म इन द स्टॉक और कॉमन स्टॉक, इन द स्टॉक, इन द फर्म लिख लिया, वो लिख लिया कि ओरिजिनली बॉट इन द फर्म, ऐसे लिख सकते हो एज अ स्टॉक और कॉमन स्टॉक. स्टॉक समझते हो सारे, क्या होता है स्टॉक? अनसोल्ड, जो भी सब कुछ पड़ा होता है वो हमारा स्टॉक ही तो होता है हमारे पास. चाहे कोई भी हमारे पास प्रॉपर्टी पड़ी है फर्म के अंदर, वो हमारी स्टॉक ही होती है भाई. क्योंकि जैसे ही हम बिजनेस में आते हैं ना, पहले हम उसको स्टॉक में ही कन्वर्ट करते हैं, देन वी आर स्टार्टिंग आवर बिजनेस. ठीक है. सेकेंड लिखो, पहले में क्या लिखा, जो ओरिजिनली बॉट की है हमने. सेकंड में लिखो, क्रिएट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फॉर द पार्टनर्स. क्रिएट इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फॉर द पार्टनर्स. ऑब्वियस सी बात है, ऐसी कोई भी चीज जो क्या क्रिएट कर रही है, इंटरेस्ट. इंटरेस्ट का मतलब वो इंटरेस्ट मत लेना, इंटरेस्ट का मतलब यहाँ पर क्या चीज है कि सामने वाला उससे अट्रैक्ट होके आपके पास काम कर रहा है वो. ठीक है. थर्ड, क्रिएट कर रही है राइट एंड लायबिलिटीज. क्रिएट कर रही है राइट एंड लायबिलिटीज इन द फर्म्स प्रॉपर्टी. जैसे जैसे बताओ भाई, किसी पार्टनर से लेट से कोई प्रॉपर्टी है खराब हो जाती है, टूट जाती है, गिर जाती है या खत्म हो जाती है, तो उसका क्या है, वो सिर्फ एक ही पार्टनर देता है या सारे देते हैं? सारे देते हैं. तो ये तीन टाइप से आपकी कौन सी हो सकती है, टेंजिबल एसेट. अब लिखो इनटेंजिबल एसेट.
इसमें क्या होगा इंटेंजिबल में? वही सेम गुडविल वगैरह, बट इसमें लिख लेना कि जैसे गुडविल है, वेदर इट इज योर पर्सनल और फर्म, या आपकी पर्सनल भी हो सकती, लाइक कई पर्सन का सिर्फ नाम ही काफी होता है, पता नहीं कभी मैं मेरा नाम ही काफी है इस चीज के लिए कि हाँ मुझे किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि मेरे नाम से क्या चीज अच्छी होती है और क्या नहीं होती। ठीक है, अभी तक की जो हमने किया क्या समझ में आया? अभी प्रॉपर्टी क्या है, हम ओरिजिनली बॉट करके लाए, क्रिएट कर रहे हैं इंटरेस्ट के थ्रू, या फिर हमारी जैसे गुडविल वगैरह है वो भी हो जाएगी, या प्रॉपर्टी पे राइट और इंटरेस्ट क्रिएट करें कोई भी चीज वो भी हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने जो ये विकास सर वाली जो हमने एग्जाम्पल के तौर पे की है, बट मान के चलो अगर पेपर में ऐसे आ गया तो हम क्या लिखेंगे? भी पर्सन है, अपने घर से लाया था, क्या हम ऐसे पेपर में लिख सकते हैं? नो। तो हम इस चीज को लिखेंगे कैसे? लिखो नॉट वन, नोट बना के लिख लेना इसको, मतलब इस पूरे टॉपिक की ये चीजें भी आपको फॉलो करनी है। नॉट लिखो नंबर वन, एनी पर्सन, तो अकॉर्डिंग टू आर एग्जाम्पल दैट पर्सन इज विकास सर। ठीक है, एनी पर्सन हैविंग प्रॉपर्टी, एनी पर्सन हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ हिज ओन, ओन यहाँ पे ओ डब्ल्यू एन वाला आएगा भी, ऑफ हिज ओन व्हेन एंटर इनटू द पार्टनरशिप, जब वो पर्सन हमारी पार्टनरशिप में एंटर हुआ था तब उसके पास ये प्रॉपर्टी थी, एंड अलाउ हिज प्रॉपर्टी, एंड अलाउ हिज प्रॉपर्टी टू बी ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। आखिरी में लिखो ओनली बाय द एग्रीमेंट, ऐसे ही लिखना है क्योंकि ये सबसे मेन वर्ड है पूरे पैराग्राफ का हमारे जो अभी तक हमने पढ़ा है, कि वो प्रॉपर्टी को हम तभी फर्म की प्रॉपर्टी मानेंगे जब हमने उसके लिए हमारे एग्रीमेंट में वो चीज लिखी है कि यस आई एम टेकिंग दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम माय हाउस एंड नाउ इट विल बी द प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अंडरस्टैंड? सेकेंड पॉइंट लिखो इसी में, नोट में, इन एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, लगा लो मैंने एग्रीमेंट किया ही नहीं तो क्या होगा बताओ? अब जब विकास सर ने ये चीजें डिसाइड की कि हाँ हम ऐसे करते हैं, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट में ये बात नहीं लिखी कि मेरी प्रॉपर्टी अब पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, क्या होगा फिर? अगर कंपनी इस पे फर्म के ऊपर कोई लॉस आया, क्या हम उस प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकते हैं वो? एब्सोल्युटली नॉट। जैसे ही फर्म डिसॉल्व होगी ऑटोमेटिकली वो जो प्रॉपर्टी है जिसकी थी वो उसको ट्रांसफर, चाहे हमने उसको 10 साल यूज क्यों ना किया हो हमारी पार्टनरशिप फर्म में। ठीक है, तभी कह रही हूँ ये वर्ड को आपको इतना ही हाईलाइट करके लिखना है कि यस इफ देयर इज एन एग्रीमेंट ओनली देन वी कैन यूज दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, अब लिखो इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन विच एंटरिंग इन टू द पार्टनरशिप, विच एंटरिंग इन टू पार्टनरशिप डज नॉट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। क्या यूज किया हमने? डज नॉट बिकम द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। भाई हम ये नहीं कहेंगे कि हाँ अब ये प्रॉपर्टी बन गई है, ठीक है। आगे लिखो एक और नोट, नोट नंबर थ्री, नोट नंबर थ्री लिखो, इफ देयर इज एनीथिंग, इसी केस से ही रिलेटेड है, विकास सर वाला ही चल रहा है अभी, उसी से सब निकल आएंगे अपने सारे के सारे नोट।
इफ देयर इज एनीथिंग टू शो दैट द इंटेंशन ऑफ द पार्टनर्स टू मेक इट सो, मतलब वो अपनी प्रॉपर्टी लाया है और वो चाह रहा है कि मेरी ये प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी बन जाए, टू मेक इट सो, देन इट विल बिकम द फर्म्स प्रॉपर्टी. क्या होगा अगर वो खुद चाह रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी फर्म की प्रॉपर्टी बन जाए, देन हो जाएगी, देन इट विल बिकम द फर्म्स प्रॉपर्टी. अब लिख लो एक केस का नाम, इसी नोट में ही चल रहा है अभी, नोट नेक्स्ट मत लाना नंबर. सबसे बड़ा केस है भाई इस चैप्टर का, इस टॉपिक का, रॉबिन्सन वर्सेस एस्टन. ये आया था आपका 1875 में. इसमें क्या था, पहले केस लो समझ लो कि क्या था, क्योंकि इसके ऊपर आपके पेपर में कई बार केस लो बन जाता है, बट वो चीजें कुछ और उठा लेगा मैटर, बट केस लो ये यूज होगा हमारा, ठीक है. इसमें क्या था, जो ये रॉबिन था ना, उसके पास एक मिल पड़ी थी. वे मिल समझते हो, फैक्ट्री स्टाइल जो होती है, ठीक है. इसने क्या किया, अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी इसके साथ, ठीक है. ये क्या कहता है, एस्टन ने इसको कहा, देख भाई मेरे पास लैंड नहीं है, मुझे नहीं पता कि हम पार्टनरशिप स्टार्ट तो कर रहे हैं, करेंगे कहां पे. तो रॉबिन ने क्या कहा, देख कोई इशू नहीं है, मेरी मिल पड़ी है, ठीक है. आप ऐसा करते हैं कि क्यों ना हम हमारी जो ये पार्टनरशिप फर्म का प्रोडक्शन है या चीजों का मैन्युफैक्चरिंग है या कोई भी हमें काम करना है, क्यों ना हम उस मिल में कर ले. बात समझ में आ रही है. तो वो जो ये मिल लेकर आया, वो एक प्रॉपर्टी है कि नहीं है, अपनी तरफ से वो प्रॉपर्टी लेके आया. अभी तक हमने जो पढ़े हैं नोट, उसके अकॉर्डिंग अगर ये मिल है, उन्होंने बाय द एग्रीमेंट एंटर कर ली पार्टनरशिप में, तो मिल किसकी मानी जाएगी, फर्म. और अगर उन्होंने एग्रीमेंट के थ्रू नहीं एंटर की तो किसकी मानी जाएगी, पार्टनर, ठीक है. लिखो, व्हेन ओनर ऑफ मिल. हाँ हाँ, ये केस लो के ही तो फैक्ट लिख रहे हैं. व्हेन ओनर ऑफ मिल, मिल के बारे में बता रही हूँ, ओनर ऑफ मिल एग्रीड टू कैरी ऑन, ओनर ऑफ मिल एग्रीड टू कैरी ऑन द मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इन पार्टनरशिप विद अदर्स. वो क्या कह रहा है, भी मेरी मिल में आप मैन्युफैक्चरिंग कर लो, काम कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ले आता हूँ एज अ प्रॉपर्टी. बिजनेस इन द पार्टनरशिप विद अदर्स, कि मतलब और जो पार्टनर थे उनके साथ मिलके उसने काम किया ना. एंड द ओनर पार्टनर, ओनर पार्टनर कौन है, जिसकी वो मिल थी, द ओनर पार्टनर वॉज क्रेडिटेड इन द फर्म्स अकाउंट. क्या किया उसने, इस चीज को मतलब वो एज अ कैपिटल लाया था मिल को, तो उसने इसको क्रेडिट कर दिया है किसके, फर्म के अकाउंट में. क्रेडिट डेबिट तो समझते हो ना, तो उसने उसको क्रेडिट कर दिया है किसमें, फर्म्स के अकाउंट में. देखिए आगे, वॉज क्रेडिटेड इन द फर्म्स अकाउंट विद द वैल्यू ऑफ द मिल. जो वैल्यू थी मिल की, उस वैल्यू को ही करोगे या मिल को उठा के अकाउंट में डालोगे, उसकी वैल्यू, एज इज कैपिटल, एज अ कैपिटल डालेगा ना वो अपनी, कि मैं मेरी कैपिटल के तौर पे क्या लाया हूँ, वो मिल को लेकर आया हूँ. आगे लिखो, इट वॉज हेल्ड दैट, मिल हैड बिकम पार्ट ऑफ द फर्म, क्योंकि वो एज अ कैपिटल उसको मिल को लेकर आया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कैपिटल तो आते ही ऐड हो जाती है हमारे बिजनेस में. बिकम्स द फर्म्स प्रॉपर्टी, लिख लिया कि ये क्या बन गई, फर्म की प्रॉपर्टी. फिर लिखो, एनी एडिशन टू द मिल, कैसे,
अब उस मिल के अंदर आपने कोई और प्रॉपर्टी को इंस्टॉल किया, कुछ और उसमें सामान ऐड किया, कोई रॉ मटेरियल ऐड किया, चाहे कोई मशीनरी लगाई, कुछ भी आपने लगाया, तो वो टोटल ओवरऑल क्या माना जाएगा? फर्म की प्रॉपर्टी है वो। ये नहीं है कि हम उसको कहेंगे भाई मिल तो तेरी है बाकी सारा कुछ हमारा है, नहीं। ठीक है, तो इन शॉर्ट अगर हम ये सेक्शन पढ़े तो इससे दो बातें निकल के आती है कि अगर हमारी पार्टनरशिप में एग्रीमेंट है किस चीज का, जो प्रॉपर्टी सामने वाला पार्टनर लेकर आया है तो वो फर्म की प्रॉपर्टी है, अदरवाइज नहीं है। दूसरा हमारे पास टर्म आ गई है कि अगर वो एज अ कैपिटल लाया है तो भी वो क्या बन जाएगी? प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। किसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी? फर्म की प्रॉपर्टी। तो इससे ओवरऑल हमारे पास दो लॉजिक निकल कर आते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? दोबारा बताने की जरूरत है? नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 15, वो कुछ नहीं बोलता, वो सिर्फ आपको ये बोलता है कि आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी क्या? अब पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का ये था आपका सेक्शन 14। 15 क्या कहता है? यूज। यहाँ पर एप्लीकेशन का मतलब यूज है भाई, चल लिख लेना अपनी बुक्स में सारे दिन साथ। एप्लीकेशन का मतलब यहाँ पर लेटर नहीं है, यूज है, कि आप उस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो एज अ पार्टनर। क्या आपको कोई रोक सकेगा? नो, क्योंकि सारे पार्टनर के सेम राइट है भाई। अब जैसे यहाँ पर ये मिल लेकर आया था, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करनी शुरू कर दी, तो क्या यहाँ पर रोबी नकड़ के बैठ सकता है कि देख भाई यहाँ पे कदम ना रख दो, ये मिल तो मेरी है? क्या अब उसने ऐसे कैपिटल जब वो इंक्लूड कर चुका है तो सामने वाला पार्टनर क्या कहेगा? देख अब ये प्रॉपर्टी फर्म की हो चुकी है, और अगर तुझे ऐसा ही था तो तूने मिल दी क्यों? बोलेगा कि नहीं बोलेगा ये वाली बात? तो ऑब्वियसली चीज है कि अगर ऐसा कुछ है कि फर्म की प्रॉपर्टी है या किसी पार्टनर ने दी है बट अब वो फर्म की प्रॉपर्टी बन चुकी है, तो उसके ऊपर सारे पार्टनर्स का सेम राइट है टू यूज दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अगर इसमें लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? सी, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म टॉपिक का नाम क्या है? एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सीधी सी लाइन लिख लो इसके बारे में, तो एवरी पार्टनर हैज सेम राइट टू यूज द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। सीधी सी लाइन लिखो, एवरी पार्टनर ऑफ द फर्म हैज सेम राइट। इतना डीप जाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अगला अपना अच्छा टॉपिक है, क्या कह रहा है कि आपने ना फर्म की प्रॉपर्टी यूज करी हुई और उससे अपना पर्सनल प्रॉफिट कमा लिया, क्या होगा? याद करो हमने एक फ्रॉड वाला केस पढ़ा था पहले, कि अगर फ्रॉड से किसी ने कुछ कमाया है तो क्या होगा? वो उसी को ही देना पड़ेगा। फ्रॉड की वजह से लायबिलिटी अराइज हुई थी वहां पे, सॉरी लायबिलिटी अराइज हुई थी ना, तो वो उसी को ही पे करनी पड़ेगी। अब ये कहता है कि आपने यूज तो क्या करी है? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी, बट फॉर खुद के बेनिफिट के लिए भाई, क्या होगा फिर? सीधा सीधा सोच के देखो कि अगर आपकी चीज से किसी ने प्रॉफिट कमा लिया क्या होगा? आप सामने वाले को क्या कहोगे? शेयर दे मुझे। चलो फर्स्ट लेके चलते हैं कि आपने मांगा उससे शेयर दे भाई, और हिस्सा दे दे मुझे, मतलब शेयर, और बस नहीं, ध्यान से सुनो। अब इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लेट्स से यहाँ पर हमारी शॉप है, ठीक है, वही सेम एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, क्लोथ्स की हमारी शॉप है। एक एग्जांपल याद करो, ग्लास वाला एग्जांपल लिया था हमने, कि ग्लास की फैक्ट्री यहाँ है और बिल्कुल सामने ही हमने दूसरे पर्सन की ग्लास की फैक्ट्री खुलवा दी जिसमें मैं भी पार्टनर हूँ।
यार सेम बिजनेस हम नहीं कर सकते थे, हमने एक्सेप्शन में पढ़ा था, नहीं कोई भी पार्टनर सेम बिजनेस नहीं कर सकता है, और अगर उसने किया तो सारा का सारा शेयर उसको देना पड़ेगा, किसको, फर्म को, ना कि उसको शेयर देना पड़ेगा, ये नहीं, उसको सारा का सारा बेनिफिट देना होता है बाद में, चाहे फिर उसको कैसे भी डिस्ट्रीब्यूट करे, चार पार्टनर है, चार में पांच है तो पांच में। सेम चीज अप्लाई यहाँ करनी है आपको, कि अगर यूज करके पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को आपने कोई अपना बेनिफिट कमाया है ना, तो सारा का सारा बेनिफिट आपको फर्म को देना पड़ेगा। पहली बात तो आप कमा ही नहीं सकते, पहली बात तो याद रखो कि आप कर ही नहीं सकते ऐसा, बट अगर आपने ऐसा किया है देन पूरा का पूरा प्रॉफिट फर्म को देना पड़ेगा आपको, आप खुद से उसको यूज नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखना, ठीक है। अब इसी चीज को पहले लिख लो, कैसे लिखोगे, लिखो सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज डाल रखी है भाई कोई खुद का प्रॉफिट नहीं कमाएगा तो वो करेगा ही नहीं। सब्जेक्ट टू द कॉन्ट्रैक्ट से ये वाली चीज शुरू करना, इफ एनी पार्टनर अर्न्स एनी प्रॉफिट, क्या अर्न किया है भाई, एनी प्रॉफिट बाय यूजिंग फर्म्स प्रॉपर्टी और हेल्ड सेम बिजनेस, दोनों चीजें कर लो साथ ही, क्या किया उसने, यहाँ भी क्लोथ का कर रहे थे, एक और फॉर्म में क्लोथ का बिजनेस करना शुरू कर दिया, अगर ऐसा किया देन ही शैल अकाउंट फॉर दैट। अकाउंट का मतलब क्या होता है भाई, आप वहां पर क्या कहते हैं, जैसे कटघरे में खड़े किए जाओगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको बोलते हैं कि यहाँ आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है, यहाँ आपकी लायबिलिटी बनती है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ये बताओ, तो क्या आएगा, देन ही शैल अकाउंट फॉर दैट प्रॉफिट एंड पे टू द फर्म, एब्सोल्युटली किसको पे करेगा, वो फर्म को भी। बात समझ में आ गई, अभी तक हमने की है तीन, देखो तीनों ही एक दूसरे से रिलेटेड ही है एक तरीके से। पहला हमने क्या किया कि फर्म की प्रॉपर्टी को कौन यूज कर सकता है, कैसे यूज कर सकता है, सॉरी पहले हमने 14 में किया था कि प्रॉपर्टी कौन लेकर आएगा या वो कैसे आएगी, क्या है ना, एक्वायर की है, परचेज की है या अदरवाइज मीन से वो हमारे पास आई है, ठीक है। पहली ये चीज की थी हमने सेक्शन 14, 15 में था वे यूज कि सबके पास सेम राइट है, पार्टनर्स के पास, कि सारे उसका क्या कर सकते हैं यूज, किसी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि भाई मैं तो इसको ऐसे यूज कर सकता हूँ बट तूने ऐसे नहीं यूज करना, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और सेक्शन जो है हमारा 16 जो है वो ये बात करता है कि अगर इसी प्रॉपर्टी से अगर आपने पर्सनल प्रॉफिट को कमा लिया देन उस टाइम पर आपको सारा का सारा जो पर्सनल प्रॉफिट कमाया है वो करना पड़ेगा किसको, फर्म को, बोलो ना फिर, फर्म को। तीनों सेक्शन समझ में आ गए अभी तक की, नेक्स्ट सेक्शन तीनों सेक्शन किससे रिलेटेड थे, प्रॉपर्टी से रिलेटेड थे। अब अगला सेक्शन रिलेटेड है आपकी राइट और लाइबिलिटी, लिखो हेडिंग तो बुक से ले लो आप अपनी इसकी। नेक्स्ट है आपका राइट एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर आफ्टर अ चेंज इन द फर्म। ये टॉपिक मुझसे ज्यादा शायद आप लोगों को आता होगा क्योंकि अभी भी आप फिलहाल ये काम कर रहे हो, मुझे तो फिर भी 8-9 साल हो गए इस चीज को छोड़े हुए, क्या अभी समझ में आएगा, देखो चेंज इन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में कब चेंज होता है, पार्टनर रिटायर होता है,
डेथ होता है, एडमिशन, इन शॉर्ट कोई भी एंटर हुआ और कोई भी गया और कोई भी नई बिजनेस अंडरटेकिंग शुरू करते हो, लाइक अभी तक हम क्या कर रहे थे, सिर्फ शर्ट बना रहे थे, बट हमारा बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि अब हमने शुरू किया, क्यों ना हम शर्ट के साथ टी शर्ट भी बनाना शुरू कर दें, हो सकता है कि नहीं, तब भी आपका चेंज होता है और बिल्कुल 100% चेंज होता है। तो ऐसे कब कब ये हमारी चीज चेंज होगी, पहले तो ये लिख लो ऐसे कि चेंज इन द पार्टनरशिप फॉर्म, और ये वाला चेंज ना रुक जाओ इसका एक ग्राफ बना लेते हैं क्योंकि आपकी बुक में ये बहुत उससे दिया हुआ है। ये चेंज जब पेपर उसमें कॉपी में बना रहे हो ना, यहाँ लिखो ऐसे लिखो साइड में, ताकि ये जो तो दो तीन बातें हैं इसी एक ही चार्ट में हमारी कवर हो जाए। ठीक है, सबसे पहली बात, चेंज इन द पार्टनरशिप फॉर्म कब होता है, जब भी पेपर में ये क्वेश्चन आए ना, ये मत लिखो कि कोई आएगा तो चेंज होगा, जाएगा तो चेंज होगा, नो, ऑब्वियसली जो चेंज होता है ना पार्टनरशिप में किसमें होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप में होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि वो बनी कैसे है, बनी है तभी तो हट रही है ना, तो ये चेंज जो है वो किसका है, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होता है भाई ये। ठीक है, अब चेंज के तरीके, सबसे पहला यहां पर लिख लेना वन, चार तरीकों से हो सकता है भैया आपका ये, टू थ्री और फोर, एक बार कोई चेक करेगा, निखिल वीडियो में वहां तक आ रहा है फोर्थ तक वाला, नो मैम ऊपर का नहीं आ रहा, इतना ऊपर का नहीं आ रहा, वन टू थ्री फोर नहीं आ रहे, नो ये आ रहा है यहाँ पे लिखो तो, यस मैम आ रहा है, चलो वन यहाँ पे लिख लो, टू यहाँ पे लिख लो, थ्री, ये चार्ट फिर पूरा आ जाएगा, इसलिए लिख रही थी मैं ऊपर। चलो नंबर वन पे आप लोगों को लिखाते क्या, व्हेन अ न्यू पार्टनर एंटर इनटू द पार्टनरशिप, क्या हुआ है, न्यू पार्टनर जब भी आपकी पार्टनरशिप में एंटर होता है देन, नेक्स्ट आता है पार्टनर जब चला जाता है, गो आउट, गो आउट कैसे कैसे हो सकता है, वो सबसे पहला बिल्कुल एक्सपल्शन, बिल्कुल और डेथ, और वो खुद भी तो छोड़ के जा सकता है ना, उसने लीव कर दिया काम। नेक्स्ट आता है, हमने क्या सोचा था, हमारी पार्टनरशिप को हम एंटर हो रहे हैं 5 साल के लिए हो रहे हैं, 5 साल पूरे हो गए हैं, क्या है एक्सपायरी ऑफ टर्म, एक्सपायरी ऑफ द टर्म ऑफ द बिजनेस, लास्ट आता है व्हेन एडिशनल अंडरटेकिंग, एडिशनल अंडरटेकिंग क्या कर रहे हो आप, एडिशनल अंडरटेकिंग को लेके आने क्या कहते हैं, कैरीड आउट, सो हेयर आर फोर टाइप ऑफ द चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जहां पर किसी भी फर्म के जो पार्टनर्स हैं उनके राइट और लाइबिलिटीज जो इफेक्ट होते हैं, वो जो हमारा सेक्शन 17 है ना, वो बात ही इस चीज की करता है कि जब आपकी पार्टनरशिप फर्म में चेंज आया, कौन सा चेंज, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज आया, तो राइट और लाइबिलिटी कैसे चेंज हुए, बात करें, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चेंज कैसे कैसे आएगा, हमें पता चल गया कि मैक्सिमम टाइप ऑफ द चेंज सिर्फ ये हो सकते हैं। ठीक है, अब करो कि अब कौन कौन से पार्टनर हैं,
फर्स्ट ये वाला था। अब देखो न्यू पार्टनर आया, क्या पहले वाले पार्टनर चले गए वहां से? तो सबसे पहले याद रखना यहाँ पर आपकी दो बातें आई। क्या आई कि यहाँ पर जो पुराने वाले पार्टनर हैं उनके क्या राइट लायबिलिटी हैं, फिर न्यू हुए उनके क्या लायबिलिटी, और जो आपका न्यू आया उसके क्या राइट और लायबिलिटी हैं, और जो ओल्ड रह गए हैं अब उनके राइट और लायबिलिटी में क्या चेंज होगा। फिर यहाँ पर देखो रिटायर हो गया, एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई, लिव हो गया, एक चीज सोचने वाली है, जो बंदा चला ही गया क्या हम उसके राइट और लायबिलिटी डिसाइड करने की हमें क्या जरूरत है? अब तो जो लेफ्ट है हमारे सिर्फ उसका करना है हमें। लेफ्ट पार्टनर, पार्टनर मैंने इसलिए यहाँ लिख दिया इसके बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। बात समझ में आ रही, जो चला गया है हमें उससे क्या लेना देना है? अब तो जो हमारे बच गए उनको देखना है ना, हमारी क्या राइट है और क्या लायबिलिटीज है। बात समझ में आ रही मैंने लेफ्ट क्यों लिखा यहाँ पे और यहाँ पे ओल्ड और न्यू क्यों लिखा? ठीक है, नेक्स्ट में आओ। आपकी जो है ये टर्म ही एक्सपायर हो चुकी है तो क्या होगा भाई? टर्म ही एक्सपायर हो गई है, फॉर्म ही बंद हो चुकी है तो क्या बोलोगे? जो पार्टनर थे वो क्या पार्टनरशिप है अभी? नहीं, तो क्या यहाँ पे यूज कर सकते हो? ओल्ड वर्ड यूज होगा। कैसे होगा? ओल्ड और नया पुराना तो वहां आता है ना कि जहां पर कोई नई चीज हो। यहाँ पर आपका कोई वर्ड नहीं आएगा क्योंकि पार्टनर तो रहे ही नहीं। लेकिन जाते हो अपनी जो लायबिलिटी है वो सारी पे ऑफ तो करके जाएगी। तो पे ऑफ तो करके जाएगी, लेकिन हम तो चेंज के बाद की चीज को नोट कर रहे हैं ना, वो तो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है। ठीक है, अब क्या पार्टनर वर्ड यूज करेंगे भाई? जब आपकी फर्म ही बंद हो चुकी है तो क्या अभी भी वो पार्टनर है? दे आर नॉट पार्टनर्स नाउ, तो आप उसके लिए पार्टनर वर्ड यूज नहीं करोगे। और द लास्ट वन इज, अब एक बात बताओ, एडिशनल आपने अंडरटेकिंग शुरू करी है, पार्टनर में क्या चेंज आया? तो यहां पर वर्ड लिखोगे सेम पार्टनर में। समझ आए मैंने सारे वर्ड ऐसे क्यों लिखे? यहां पर नए पुराने हैं, यहाँ पर जो चला गया था वो चला गया, जो लेफ्ट अभी बचे हैं हमारे पास उसके लिए यूज हुआ है, और यहाँ पर तो टर्म ही खत्म हो चुकी है तो पार्टनर का कोई लेना देना ही नहीं है, तो हम पार्टनर वर्ड यूज क्यों करेंगे? एंड द लास्ट वन इज, यहाँ पर तो एडिशनल हमारी अंडरटेकिंग आई है ना, ना कि हमारा पार्टनर नया आया है भाई। बात सारी समझ में आई? चलो फिर सेम पार्टनर है। अब बात करते हैं, हमें पता चल गया कि चेंज कैसे होता है, पार्टनर कौन कौन से आते हैं, अब बात करते हैं उनकी राइट एंड लायबिलिटीज को। बताओ अभी जो ओल्ड थे यहाँ पर न्यू पार्टनर्स में, लेट से यहाँ पर एक्स वाई जेड थे ही, यहाँ पर एक्स वाई जेड के साथ साथ अब ए और एड हो गया है। बताओ अब यहाँ पर क्या जो आपकी इनकी राइट और लायबिलिटी थी आपने चेंज की है? यस मैम। ओल्ड पार्टनर्स की इनकी कम हो जाएगी। वो कैसे हो जाएगी? क्योंकि नई को भी तो देना पड़ेगा। वो क्या कह रहा है? आपको बस ये बताना है कि राइट और लायबिलिटी चेंज कैसे होगी। क्या ऐसा है कि उनकी खत्म हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि डेफिनेशन होती है। बताओ अब आपने बोला कि उनकी जो राइट और लायबिलिटीज है वो कम हो जाएगी, इसकी कोई डेफिनेशन है क्या? आप ये जरूर कर सकते हो कि इनकी जो लायबिलिटी है वो तो है ही राइट लायबिलिटी, जैसी थी वैसी ही है, बट इसके पास इसकी पार्ट ऑफ द लायबिलिटीज आ जाएंगी, पार्ट ऑफ द राइट आ जाएगा। या अगर आपने ये लिखना है तो ये लिखो यहाँ पर पार्ट ऑफ द लायबिलिटीज रिड्यूस हो जाएंगी ओल्ड वालों की। अगर आप कह रहे हो कि आप भी एक पार्टनर और ऐड हुआ है तो उनकी लायबिलिटी जो है कम हो जाएगी, बट अकॉर्डिंग टू द अगर हम लो वर्ड यूज करें तो आप हमेशा वर्ड यूज करोगे भाई सेम। क्या वर्ड यूज करोगे? ओल्ड वालों के लिए क्या? अगर आपको ये रिड्यूस वाला करना है आप ये लिख सकते हो
कि एक पार्टनर ऐड होने से उसकी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन राइट और लायबिलिटीज का जो पोर्शन है वो तो उनका तो वो तो लेना ही पड़ेगा ना उनको। हम उनकी राइट लायबिलिटी चेंज थोड़ी कर रहे हैं, इस न्यू के आने से जो इफेक्ट पड़ा है सिर्फ वो इफेक्ट है वहां पर, एज सच हमने थोड़ी उसको रिड्यूस किया उठा के। इसलिए अकॉर्डिंग टू द लॉ यू कांट यूज दैट वर्ड कि उसकी लायबिलिटी हमने रिड्यूस कर दी। अब एक बात सोचो, लायबिलिटी रिड्यूस हुई तो क्या प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं बट गया क्या उनका? पहले उसी लेट से 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, ये 3 लोग ले रहे थे, अब एक चौथा और बंटवाने नहीं आ गया तो क्या फर्क पड़ा? उतना ही ले रहे हो, उतना ही दे रहे हो, कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द लॉ आपको ऑलवेज वर्ड यूज करना है सेम राइट और लायबिलिटी। ब्रैकेट में आप नोट में जितनी मर्जी एक्सप्लेनेशन लिख सकते हो, रिड्यूस लिखोगे तो नॉट ओनली आपको रिड्यूस लायबिलिटी, यू हैव टू शेयर द प्रॉफिट ऑल्सो विद द न्यू पार्टनर, ये भी लिखोगे फिर आप। ठीक है, न्यू पार्टनर के लिए उसको क्या मिलेगा, शेयर ऑफ या पार्ट ऑफ राइट एंड लायबिलिटी का, जितने उसके हिस्से में आएगी आपको वो देना है। आगे अब देखो, यहां पर जो लेफ्ट करके गए हैं, जो लेफ्ट करके गया है उसका क्या रहेगा और जो बच गए हैं उनका क्या रहेगा? तो यहाँ पर हम ये वर्ड यूज करते हैं कि रिमेनिंग वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, और जो लेफ्ट करके गया है वो, ये अब केस टू केस देखो वैरी करेगा। हाउ? देखो, अगर वो रिटायर हुआ है तो वो अपने रिटायरमेंट का पैसा ले जाएगा, अगर वो एक्सपोल किया है, कोई ना कोई बड़ा रीजन हुआ होगा जिसकी वजह से हमने एक्सपल किया, तो क्या हम उसको प्रॉफिट देंगे? तो अगर हम उसको प्रॉफिट ही नहीं देंगे तो क्या वो हमारी लायबिलिटी में हिस्सेदारी दिखाएगा? डेथ हो गई, डेथ के केस में क्या होगा? जो पुराने थे उनका तो राइट सेम ही है, लेकिन जो मर गया है उसकी जगह कौन आ जाता है? उसका लीगल हेयर, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो उसको होगा पे करना है या वो ओ करना है। तो दैट मीन्स उसे जो जिसकी डेथ हुई है ऑटोमेटिकली उसका राइट एंड लायबिलिटी ट्रांसफर हो गया उसके लीगल हेयर को, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जिसका भी उसने नाम दिया होगा। फिर अगर वो खुद छोड़ के गया है तो जिस दिन वो छोड़ के गया है, रिमेम्बर हम करते थे ना, जब उसने छोड़ा उसके पहले तक की सारी लायबिलिटी और राइट को वो सेट ऑफ करके जाएगा, करता है बिल्कुल, चाहे फायदा लेना है वो अपने फायदे लेके जाएगा, जो लायबिलिटी पे करनी है उसको पे करके जाएगा। ठीक है, तो वो यहाँ पर सीधा सीधा सा हो गया। सो इन शॉर्ट देखा जाए तो क्या राइट और लायबिलिटी चेंज हुए? जो मैं लॉजिक बता रही हूँ ना, इनको ध्यान में रखना, क्योंकि इन लॉजिक्स पे ही केस स्टडी बनती है। हमें पेपर में वो ये नहीं लिखेगा कि ऐसे ऐसे पार्टनर थे, वो रिटायर होकर चला गया है, तो बताओ कि उसका लॉस लेगा कि नहीं लेगा, उसके राइट क्या रहेंगे बताओ, ऐसे नहीं पूछेगा वो कभी, वो आपको केसेस बना के देगा। ठीक है, चलो आगे आता है, टर्म ही एक्सपायर हो गई है तो क्या राइट और क्या लायबिलिटी? फॉर्म ही खत्म हो चुकी है, अपना सारा का सारा जो भी था सेट ऑफ करो और डन, खत्म बात। ठीक है, बट इसमें एक केस और ऐड कर लेना, बट रिमेम्बर हमने की थी कि पार्टनरशिप फॉर द फिक्स टर्म, ये पार्टनरशिप फॉर द फिक्स टर्म है कि नहीं, एक्सपायरी ऑफ द टर्म। अगर हमने ये सोचा कि अभी इसको आगे बढ़ा लेते हैं, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? तुम लोग पढ़ते नहीं हो सच में, आज सर भी सही कह रहे थे, लड़कियां फिर भी कर लाती हैं, आज निकल कह रहे थे ना शायद कि इमेज खराब कर रखी है, तो मैं तो ये बोल सकती मेरी इमेज लड़के ने बना रखी है। प्लीज कर लो, क्या बन जाएगी? पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी भैया, याद रखा। मान लो एक्सपायर होगी, कोई राइट एंड लायबिलिटी का क्वेश्चन ही नहीं आता क्योंकि सब सेट ऑफ हमारा हो चुका है अच्छे से। बट अगर हमने सोचा कि एक्सपायरी के बाद भी हम इसको आगे लेके जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड टू द पार्टनरशिप एट विल हो जाएगी। ठीक है, आगे चलो, एडिशनल अंडरटेकिंग को ऐड किया, अंडरटेकिंग ऐड हुई है भाई, क्या आपकी राइट लायबिलिटी चेंज हुए हैं?
क्या कोई नया पार्टनर आने से यहाँ पे तो इंट्रोड्यूस वगैरह भी कुछ नहीं हुआ ना, आपको पार्ट ऑफ द शेयर करना है तो क्या लिखना है, सेम पार्टनर एंड सेम राइट एंड लायबिलिटीज। आगे बात समझ, सबसे पहले जब भी आप इस टॉपिक को पढ़ते हो तो उसमें आपको तीन बातें लिखी हुई हैं, क्या व्हेन एनी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन द पार्टनरशिप फॉर्म, सो पार्टनर्स के क्या राइट और लायबिलिटी चेंज होंगे। हमने इस पूरे को ही तीन पोर्शन में बायफ्रिकेट कर दिया कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि चेंज कब कब होगा, फिर पार्टनर कौन कौन बचे हमारे पास, या नए आए हैं तो ऐड कौन हुए हैं, बचा है या ऐड हुए हैं, दोनों बातें, और फिर उनके राइट और लायबिलिटी क्या रहेंगे। सारा समझ में आया ये पूरा चार्ट अच्छे से? ठीक है, और करवा दूं? बहुत है आज के लिए, बहुत है।